इंडिया ने अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम से जीतने के लिए चीटिंग की और रोहित शर्मा ने क्रिकेट रूल्स को तोड़कर बैटिंग की। क्या बोला तूने? ये मैं नहीं, वेस्टर्न मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इन सब की शुरुआत होती है इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान के तीसरे T20 मैच से, जिसमें अफगानिस्तान ने भारत के 212 रन के टारगेट को चेस कर मैच को टाई कर दिया। लेकिन जब सुपर ओवर की बारी आई तो अफगानिस्तान ने इंडिया को 17 रन का टारगेट दिया। लेकिन जब लास्ट बॉल पर इंडिया को 2 रन की जरूरत थी और जायसवाल स्ट्राइक पर थे तो रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह को अपनी जगह बुला लिया ताकि वो तेज रन भाग सके। लेकिन इसके बाद भी सुपर ओवर टाई हो गया। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी तो तब शुरू हुई जब सेकंड सुपर ओवर में रोहित शर्मा वापस से खेलने आ गए। जबकि ICC के रूल्स के अनुसार अगर बैट्समैन पिछले सुपर ओवर में डिसमिस हो जाता है तो वो अगले सुपर ओवर में नहीं खेल सकता। लेकिन रोहित शर्मा डिसमिस नहीं हुए थे जबकि वो रिटायर आउट होकर बाहर गए थे। हालांकि इंडिया की जीत से अफगानिस्तान टीम काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दी। रोहित शर्मा का ये मूव क्या सच में एक चीटिंग था या एक मास्टर मूव? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।